हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा
जो से हमारे लिए दे दी है क्रिसिया। ये उस समय की बात है क्रिसिया, जब प्रभु यीशु सलीब को उठाए हुए यरूशलेम की गलियों में से गुजर रहे थे, और बहुत से लोग हैं हमारे जैसे वो जो उस समय उन्हें देख रहे थे पर वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। परमेश्वर ने, प्रभु ने हमारी खातर वो सब सहन किया है क्रिसिया। हमारे ही पापों को वो उठाए हुए लिए जा रहे थे क्लीसिया। वो कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं है। आज याद करें क्लीसिया, उस कुर्बानी को महसूस करें जो उसने हमारे लिए दे दी है। अपने अपने माथे से अपने इस भोज को लगाओ। जितने ऑनलाइन भी इस समय हमारे साथ हैं अपने घरों में, इस माथे को
इस भोज को अपने माथे से लगाओ और याद करो यीशु मसीह की कुर्बानी को। जो बेगुनाह था उसने कोई भी पाप नहीं किया। बाइबल कहती है कि उस पे जितनी भी ताड़ना पड़ी उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया। ये हमारी ही खातर उस पर ताड़ना पड़ी, उसने हमारी ही खातर उन कोड़ों को खाया, बेइज्जत किया गया, उसके लहू को बहाया गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारी गई। ये हमारी ही खातर हुआ ताकि हम जीवन पाएं। ये रोटी नहीं है, ये यीशु मसीह की देह है, ये जूस नहीं है, ये वो लहू है जिसकी दुनिया में तुम किसी भी चीज से कीमत लगा नहीं सकते। जो मेरे और पाप के लिए, इस दुनिया के पाप के लिए यीशु मसीह ने अपना वो लहू बहाया है, जो कीमती, जो इस दुनिया में उस लहू की तुम कोई कीमत नहीं लगा सकते। इसलिए जब यीशु मसीह उन यरूशलम की गलियों में जा रहे थे तो वही यरूशलम के लोग जो उस तमाशा देख रहे थे, जिन लोगों को यीशु मसीह ने बहुत से रोगों से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से चंगा किया, पर अब लोग वो खड़े होकर उन गलियों में वो तमाशा देख रहे थे। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। ये सच्चा मसीह है, ये सच्चा प्रभु है, ये किसी ने नहीं कहा। ये इसलिए हुआ कि जो बाइबल में लिखा था वो लेख पूरा हो, कि वो हमारे ही पापों के लिए पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे मुर्दों में से जी उठाएगा। और ये कुर्बानी ये मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए एक छुटकारा था। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन देकर हमें जो जीवन दिया, इसलिए याद करो उसकी कुर्बानी को, याद करो। पौलुस कहता, वही पौलुस जो एक दिन यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मार रहा था, उसके नाम से नफरत करता था, जैसे आज भी लोग करते हैं जो नहीं जानते, वही पौलुस जब उसे पता चला यीशु मसीह कौन है, वो किसकी ओर से आया है और क्यों आया है, वही पौलुस जो उससे नफरत करता था, एक दिन वो कहता, मैं यीशु मसीह के दागों को जो उसने मेरे लिए, दुनिया के लिए अपने बदन पर, उन दागों को, कोड़ों के दाग जो उस पर उसके शरीर पे पड़ चुके थे, उन हाथों में जो शेक हो चुके थे कीलों, वो कहता उसके दागों को मैं अपनी देह पर लिए फिरता हूं। वही पौलुस जो उसके नाम से नफरत करता, आज आबे से परमेश्वर वही पौलुस, वही पत्रस देखना चाहता है, क्योंकि वो मेरे पत्रस जहां पौलुस के लिए नहीं, वो आपके लिए भी मारा गया और गाड़ा गया। उसने आपको भी अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया ताकि आप जीवन पाएं और उसके नाम की गवाही दें और उसकी आज्ञा को माने, उसके हर एक वचन को पूरा करें। बाइबल कहती है ताकि आप एक भला चंगा जीवन जिए, वो जीवन जो यीशु मसीह स्वर्ग से लेकर आया था, जिसके लिए उसने सूली पे इतने दुख को सहा। इसलिए याद करो उसकी कुर्बानी को और आज वादा करो खुदा के साथ जीने का, उसके सुसमाचार को देने का, रूहों को बचाने का, यीशु मसीह की गवाही को बताने का और अपनी गवाही हर जगह बताने का कि वो क्यों आया है। अगर आप विश्वास करते हो तो आप ये काम करोगे। अगर आप रियल क्रिश्चियन हो, सच्चे मसीह हो, तो मैंने कहा आप ये काम करोगे। ये नहीं है कि आज प्रभु भोज है तो हम भोज लेने के लिए आए हैं। अगर आप रियल क्रिश्चियन हो तो आप हमेशा उसकी आज्ञा को मानोगे और मेरा विश्वास है जितने आज इस भोज को लेंगे
उनकी आत्मिक आंखें खुलें, ताकि वो उस अपनी बलाहट को, उस प्रेम को जो यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके साथ किया, वो आज वो जान सके कि उसने क्यों किया, वो क्यों मारा गया, क्यों उसने इतनी तकलीफ को सहा, जो बेगुनाह था, जिसने कोई पाप नहीं किया। इसलिए वादा करो खुदा से, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने आज इस बोझ को खुदाबंद खाएं, इस रोटी को तेरी देह को खाएं जो हमारे पापों के लिए तोड़ी गई, इस जूस को खुदा जो तूने हमारे पाप के लिए अपने लहू को बहाया, जब ये खाएं और पिए इनमें एक नया जीवन आए, इनकी आत्मिक आंखें खुलें, जैसे खुदा लुदिया और जकई का मन खुला तेरे प्रेम के लिए, उसी तरह से इनका मन भी खुले, ताकि ये तेरी बलाहट, तेरे इस प्रेम को जो तूने क्रूस पर इनके साथ किया, ये जान सके और तेरी इच्छा को पूरा करें इस पृथ्वी पर, और पूरा करके खुदा जब ये स्वर्ग में जाएं, खुदा तेरे साथ ये खड़े हों, तो खुदा ये निर्दोष पाए जाएं उस दिन, खुदा तेरे सिंहासन के सामने इनमें कोई दोष ना पाया जाए मेरे पिता, ये हमेशा खुदा तेरी इच्छा को पूरी करते रहे। मैं विश्वास करता हूँ खुदा इस बोझ को द्वारा परमेश्वर आप अपने लोगों को बड़ा ब्लेस कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। खाओ इस बोझ को, धन्यवाद कर गली गली में हर रोम